अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद। वेलकम टू जायंस। होपफुली आप अच्छे होंगे। बबल डॉट आईओ की सीरीज में ये हमारी सिक्स्थ वीडियो है। अभी तक हमने बबल डॉट आईओ का अकाउंट क्रिएट किया है, उसमें ऐप क्रिएट किया है, ऐप एडिटर से हम फेमिलियराइज हो रहे हैं, उसकी टॉप बाइट को हम स्टडी कर चुके हैं ऑलमोस्ट हाफ। इस वीडियो में हम उसके रिमेनिंग हाफ को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली साइड बार में जो डिटेल का टैब है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने कहा कि टॉप बार का जो सेकेंड हाफ रह गया है उसको कवर करेंगे, और जो चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं बेसिकली अरेंज मेन्यू, उसके अलावा कंपोनेंट्स। बेसिकली एक अलग हमारे पास कंपोनेंट्स का ऑप्शन है, अंडू रीडू, होपफुली आप समझ गए होंगे क्या होगा इससे, सर्च, अपग्रेड, प्रीव्यू, हेल्प और लास्टली माई अकाउंट। ये चीजें हैं जो हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन कर लूंगा, और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैंने दोनों टैब्स को पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम काम किया था और अभी तक हम व्यू टैब तक समझ चुके हैं चीजों को। ऑब्वियसली हम इसको रिपीट करते जाएंगे और बेहतर होता जाएगा। अभी जो करंट एजेंडा है हमारा वो है ये अरेंज का टैब। ये किस चीज के लिए काम आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बेसिकली बटन है और ये टेक्स एलिमेंट है, और फॉर्चुनेटली हमारी बेसिकली करंट जो प्लेसमेंट है वो इस तरह की है जो इसके लिए परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको बेसिकली डबल क्लिक करूं इसके एडिटर को ओपन करने के लिए, कंपोनेंट एडिटर को, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट कर लूं, दोनों चीजें सेम है, और यहाँ पर टेक्स एंटर कर दूं। मैं सिर्फ टेक्स थोड़ा एंटर करना चाह रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए लेट्स से इतना बहुत है। और अब मैं अगर बेसिकली बटन पे क्लिक करता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर बटन पे क्लिक करके ही रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो टेक्स्ट है ना वो बटन के पीछे आ गया। और इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि इसकी फाइनल लुक किस तरह की आती है, लेट्स सी। और यहाँ पर बेसिकली ये टेक्स्ट बटन के ऊपर है, सॉरी यस, इस बटन को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने कह दिया ब्रिंग फोर्थ। मैं बेसिकली अभी पहले शो करवाना चाह रहा हूँ एक चीज, और अभी आपको यही से नजर आ गई है कि मैं शो क्या कराना चाह रहा हूँ, और यही बेसिकली पार्ट का मेन थी चीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो बेसिकली बटन के पीछे चला गया। तो इस तरह की कोई भी सिनेरियो हो कि कोई एलिमेंट हो वो किसी एलिमेंट के पीछे छुप गया है, आप उसको सामने लाना चाह रहे हैं, या कोई एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट के ऊपर है और आप उसको पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए मैनेज करेगा अरेंज की मेन्यू। आप ऑब्वियसली राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, काम यहाँ से भी चल जाएगा, लेकिन ये मेन्यू स्पेसिफिकली इसी के लिए है। और जैसे कि आप इन ऑप्शंस को हम बाद में स्टडी करेंगे, और अलाइन लेफ्ट ये बेसिकली ग्रुप्स में यूज होंगे, अभी नहीं, यूआई जब हम बना रहे होंगे ये चीजें यूज होंगी, और आप वैसे ही जब हम यूआई बना रहे होंगे तो आप इनशाला एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज में। अभी के लिए आप देखें कि इशू आपको समझ आ गया, टेक्स्ट पीछे है बटन ऊपर है, हमें चाहिए टेक्स्ट ऊपर चाहिए और बटन नीचे चाहिए। होपफुली आपको समझ आ गई है क्या करना है कैसे करना है। प्लीज इस टेस्ट को कंप्लीट करें, यहाँ पे आए, रिफ्रेश करें, टेक्स्ट आपका ऊपर शो हो जाना चाहिए, बटन नीचे होना चाहिए जैसे कि पहले स्टेट थी। इस टेस्ट को कंप्लीट करें फिर हम खुद करके की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपने इसे ट्राई किया होगा, अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे एडिटर में वापस आऊंगा, दो तरीके हैं, मैं यहाँ तो इसको ऊपर लेके आ सकता हूँ या इसको पीछे सेंड कर सकता हूँ। इस तरीके से देखते हैं, सेंड टू बैक, ये भी काम चल जाएगा, रिफ्रेश करेंगे इससे भी काम हो सकता था, या फिर दूसरा तरीका जो था कि अगर मैं इसको अनडू करता हूँ, इस पे हम वापस आएंगे, सॉरी आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा मेरे साथ इसको, और इस पे राइट क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो भी काम वही है। ओके, और मैं आपको मेन चीज अभी दिखाता हूँ, इस चीज को भी हम रिपीट कर रहे होंगे लेकिन मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि बड़ी मजेदार चीज है, वो ये है कि मैं इस एलिमेंट को जब सिलेक्ट करता हूँ तो आप प्लीज इस पे नोट करें कि यहाँ पर भी ये एलिमेंट सिलेक्ट होता है, और ये एलिमेंट बेसिकली बाद में आ रहा है हायरार्की के, और ये जो एलिमेंट है ये उसके बाद आ रहा है। ओके, और ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि जो एलिमेंट इस हायरार्की में, एलिमेंट ट्री में बाद में आएगा वो ऊपर होगा पहले एलिमेंट्स के। ओके, मैं अगर इसको नीचे कर देता हूं तो यहां से ये तीसरा तरीका है हमारा ये काम करने का। ओके,
मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, वो ऊपर आ गया। ब्रिंग फोर्थ, सेंड बैक, ये काम कर। इसको क्लिक करके यहाँ पे जरा गौर करिएगा प्लीज, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट, उसने भी वही काम किया जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर रहे थे। ओके, तो ये चीजें हैं। प्लीज इस तरह की जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उनको माइंड किया करें, उनको समझा करें, और इससे जो होती है मेन जो डेवलपमेंट स्किल्स, टूल्स को सीखने का नाम नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है। आपको अगर मसले का हल आता है और वो हल आप किसी भी तरह इंप्लीमेंट करते हैं, मीन आप डेवलपर हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बबल आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, रिएक्ट आनी चाहिए, व्हाट्सएप आप व्हाट पीएचपी में करते हैं अगर आपको उसमें आता है, अदरवाइज आप सिर्फ एक्सप्लेन ही सही तरह कर दें कि ओके इसका सोल्यूशन इस तरह होगा, वो भी आपके बेसिकली क्वालिटी को या जो एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसमें ओके कर देगा। इवन अगर आपको बेसिकली ना बबल आती हो, कुछ भी आपको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप समझा पूरा सही दें, तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को सही करें अगर आप डेवलपर करना चाहते हैं। खैर, ये हमारी अरेंज मेन्यू थी। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे इस कंपोनेंट मेन्यू से। ये क्या चीज है? सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर लूंगा और एज ऑलवेज इस पे क्लिक करके देखूंगा कि क्या होता है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक राइट साइड बार, फ्लोटिंग साइड बार अपीयर हो गई है। इस फ्लोटिंग साइड बार से हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम इसमें मौजूद कंपोनेंट्स से है। जैसे कि, और ये क्लोज का बटन है इनकेस आपको, अगर आप ऊपर ढूंढ रहे थे, ये नीचे है क्लोज का बटन। नाम से जाहिर है कंपोनेंट्स, और मैं आपको पहले ही एक दो वीडियो या ऐसी वीडियो या पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कंपोनेंट्स क्या हैं। यूआई एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके यूआई बनती है, जिससे मिलके ये पूरी चीज मिलके कंपोनेंट बना सकती है। इस कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट का कंपोनेंट है, बटन का कंपोनेंट है, बटन के दो किस्म के कंपोनेंट है, फील्ड, आउटलाइन, उसके अलावा ये ड्रॉप डाउन का बेसिकली है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मिलके बड़े कंपोनेंट या सेक्शंस बना रहे हैं, सेक्शंस मिलके आपका पेज बना रहे हैं, इस तरह काम चल रहा है। तो bubble.io ने हमारे लिए कुछ प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स बना के रखे हुए हैं। मैं अगर इस पे डबल क्लिक करता हूं, ओके, डबल क्लिक नहीं चला, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, एक चीज चल जाएगी। खैर, क्लोज करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वहां से ड्रैग किया है, ड्रॉप किया, और मेरे सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी टॉप मेन्यू बार, जो एक कंप्लीट मेन्यू बार है, वो बन गई है, और उसमें स्टाइलिंग वगैरह सारा कुछ होके है। मैं अगर प्रीव्यू करता हूं तो नो डाउट मुझे ये यहाँ पे शो भी हो रही है, और ऑब्वियसली ये बेसिकली अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव टैब में लेके जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, जहां तक कि उन्होंने इसको रिस्पॉन्सिव किया हुआ है। जहां पे नहीं किया हुआ, मोबाइल के लिए उन्होंने इसको सेटअप नहीं किया, तो इस वजह से मोबाइल पे ये नहीं होगी, दैट्स इट, वो उसकी उनकी कंसर्न नहीं है, वो हम खुद मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो कंपोनेंट मेन्यू क्या है? कंपोनेंट्स मेन्यू, ये बेसिकली प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हैं जो bubble.io ने हमारे यूज के लिए, हमारी कन्वीनियंसी के लिए बनाए हुए हैं, जो हम फ्री ऑफ द चार्ज यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करूंगा, इसे डिलीट करूंगा, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि भाई मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक पेज आ गया। खैर, यही था इस सेक्शन के लिए। नेक्स्ट, हम ये सारी चीजें मोस्टली खुद बना रहे होंगे, हमारे पास ऑब्वियसली, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स को यूज कैसे करना है, प्लगइन, सारी चीजें बताएंगे। लेकिन जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमें सीखना मुश्किल तरीके से चाहिए, ताकि हम आसान काम जब कर रहे हो तो आसान तरीके में करें, सीखें मुश्किल तरीके के साथ, ताकि आपको कोई ऐसी स्टेट, जब आप मुश्किल काम कर लेंगे तो आप आसान ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी, होपफुली आप नोड जेएस में, जेक्यूरी वगैरह में कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट ही अल्पाइन जेएस से करेंगे तो कोई आपको कह देगा कि जावास्क्रिप्ट में ये काम करो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर, सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी थी। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम अंडू और रीडू मेन्यू से। मुझे पता है आपको पता है, लेकिन इसको फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। खैर, आपको ऑलरेडी पता है कि अंडू और रीडू क्या करेगा, मैं बस क्विकली आपको शो करवाऊंगा। यहां से मैंने इसको क्लोज किया, मैंने सारा टेक्स्ट खत्म कर दिया, अंडू पे क्लिक करूंगा, उस जो लास्ट एक्शन था उसको अंडू कर देगा, जब तक कि जितने लास्ट एक्शन सारे अंडू नहीं हो जाते तब तक ये बटन अनेबल रहेगा। मैं क्लिक करता जा सकता हूँ, ये अंडू करता जाएगा, जब सारे एक्शन खत्म हो जाएंगे तब ये बटन डिसेबल्ड हो जाएगा। रीडू
उल्टा काम करेगा। जो मैंने सारे बटन अंडू किए हुए हैं, बेसिकली एक्शंस को अंडू किया हुआ है, वो उनको दोबारा कर देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस किया, एक्शन जो मैंने किया था, मैंने टेक्स्ट खत्म किया था, वो एक्शन अंडू हो गया। रीडू पे क्लिक किया तो फिर वो टेक्स्ट गायब हो गया। ये बस इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, यही इनका काम है, दैट्स इट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सर्च ऑप्शन से। सर्च ऑप्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी इसकी शुरुआत बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे भी ये मुझे एलिमेंट्स दिखा रहा है एलिमेंट ट्री में, ये मुझे यहाँ पे भी एलिमेंट बेसिकली जो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, नो डाउट, और ऑलमोस्ट ओके। लेकिन बेसिकली कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें एलिमेंट का नाम याद नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे नाम से सर्च करना है आपने और किसी चीज से सर्च नहीं करना। तो एलिमेंट बेसिकली फाइंड करना होता है और हमारे पास सामने विजुअली नजर आ रहा होता है, किसी भी वजह से हम बेसिकली उस एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं और हम उसका नाम नहीं यहाँ से देखना चाह रहे, इस तरह का कोई काम नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि अच्छा जो बस विजुअली नजर आ रहा है ना, उसके थ्रू हम उस एलिमेंट को किसी तरह गेट कर लें, तब ये काम आएगा सर्च बटन। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सर्च बाई आ जाएगा। करना क्या है सर्च, आपने एलिमेंट को करना है बेसिकली, ये बाकी जो चीजें हैं जैसे जैसे हम वो करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है हमने ये करना था वो। अभी हमने क्योंकि एलिमेंट्स को सिर्फ स्टडी किया है, एलिमेंट टाइप को, हम एलिमेंट को सर्च करें, किस एलिमेंट को सर्च करें, खैर इतना तो देख के समझ लग जाएगा कि भाई ओके, लेट्स से कि मैंने ना इसको सर्च करना है ये टेक्स्ट को, तो जैसे मैंने कह ही दिया है ये टेक्स्ट है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट देख लूंगा, या फिर आप टाइप कर सकते हैं व्हाटसोएवर टेक्स्ट, ओके। अब ये आपसे पूछ रहा है ठीक है उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट बता दो मैं देख लूंगा। मैं मुझे और कुछ नजर नहीं था आ रहा, मुझे सिर्फ ये बीच वाली जो हाइफन है ना वही नजर आ रही थी, मैंने वो कह दिया और मैंने ये कह दिया कि सिर्फ करंट पेज से सर्च करना और कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, चेक नहीं करूंगा तो ये बाकी सारे पेजेस में भी करेगा। सर्च किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं जहां जहां पे इसे नाम में और टेक्स्ट में, बेसिकली ये टेक्स्ट है और ये नाम है, ओके दोनों में जहां पे भी आ रहा था ना इसने निकाल के ले आया है। और ये देखें टेक्स्ट बेसिकली ऑब्वियसली क्योंकि कोई मैंने सर्च क्राइटेरिया अच्छा नहीं दिया, अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखता दी एंटर ऐसे करके ये करता तो आप सिर्फ वही आया, क्योंकि थोड़ा सा क्राइटेरिया अच्छा हो गया, दैट्स इट। तो आप सिर्फ और सिर्फ उससे करें, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो वो एलिमेंट सिलेक्ट भी हो जाएगा, ये देखें ये सिलेक्ट हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज भी ओपन हो जाएंगी। और अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स भी होंगे, जैसे कि मैं आपको एक मजे का केस बताता हूँ, ये देखें जरा यहाँ पे मैं साइन लिख के सर्च करता हूँ, बेसिकली साइन फॉर साइन अप व्हाटसोएवर सर्च करता हूँ और जीरो आया, मैंने साइन की स्पेलिंग गलत लिखी है, साइन की स्पेलिंग तो सही लिखे हैं, खैर कैपिटल के साथ ट्राई कर लेते हैं। अच्छा ओ सॉरी ये टेक्स्ट टाइप नहीं है, ये बटन टाइप है, सॉरी सॉरी प्लीज इस तरह की मिस्टेक ना करिएगा, सॉरी मैंने खुद ही मेरे जहन से निकल गया। एलिमेंट टाइप जरूरी है जिस टाइप का, क्योंकि मैं बटन सर्च करना चाह रहा था, ये साइन सर्च करूंगा तो ये देखें अब ये बेसिकली साइन अप है, दैट्स इट। ये जरा इंटरेस्टिंग है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें ये एलिमेंट हिडन था लेकिन उसने उसको भी पूरा शो कर दिया, तो ये इंटरेस्टिंग केस है, ओके इस वजह से ये सर्च एलिमेंट हमारे पास जो सर्च का मेन्यू है वो इंपॉर्टेंट भी है और बेसिकली यूजफुल भी है। खैर ये था सर्च का ऑप्शन। नेक्स्ट अब बबल डॉट आईओ का फेवरेट ऑप्शन हम स्टडी करेंगे, होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, अपग्रेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे चीजों को जरा क्लोज कर लूंगा ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए और अब कंटिन्यू करते हैं इस बटन से। ये क्या चीज है बेसिकली, जैसे कि इसके टेक्स्ट ही जाहिर है अपग्रेड टू डिप्लॉय। मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम प्लान्स को स्टडी कर रहे थे कि बबल डॉट आईओ के फ्री प्लान के अंदर आप अपनी ऐप को लाइव डिप्लॉय नहीं कर सकते, मीन आप इस जैसे मैंने कहा वही इसका मतलब है, आप इसको लाइव डिप्लॉय नहीं करते, दैट्स इट। ये आपका यहाँ पे आता रहेगा वर्जन टेस्ट, जब आप लाइव डिप्लॉय कर देंगे अनटिल अनलेस कि आप अपनी कस्टम डोमेन लगाएंगे, ये चीज खत्म हो जाएगी लाइव डिप्लॉय में और वो चीज बेसिकली जो पेजेस होंगे वो डायरेक्टली आ रहेंगे, नहीं तो ये वर्जन टेस्ट रहेगा टेस्ट, और ये फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको कोई बेसिकली पेड प्लान लेना पड़ेगा, हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी बबल डॉट आईओ को सीख रहे हैं। जब हम बन जाएंगे एक्सपर्ट और क्लाइंट का काम कर रहे होंगे और क्लाइंट इसके लिए पे करेगा फिर हम ये काम करेंगे। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन से जो कि है प्रीव्यू।
वेल वंस अगेन मुझे लगता है आपको पहले ही पता है कि ये ऑप्शन क्या करता है, क्योंकि हमने काफी दफा इसको यूज कर लिया है। प्रीव्यू करेंगे तो आपकी ऐप को ये प्रीव्यू करवा देगा, और इसमें जो एक चीज मजे की है, होपफुली आपने अभी तक उसको नोट कर लिया होगा, वो ये है कि प्रीव्यू इस चीज को माइंड करता है, इस चीज का ख्याल रखता है कि मैं किस पेज पे हूं और उस पेज को प्रीव्यू करवाता है। ये चीज जरा इंपॉर्टेंट थी। दैट्स इट मीन कि आप अगर इंडेक्स पेज पे हैं, आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंडेक्स पेज पे लेके जाएगा, ना कि आपको पेज वन पे। और अगर आप पेज वन पे हैं तो ये आपको पेज वन पे लेके जाएगा, ना कि बेसिकली इंडेक्स पे। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो नोट करने के काबिल थी। अदरवाइज प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, अपनी ऐप को प्रीव्यू कर सकेंगे। उसके अलावा अगर आप इस पे होवर करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, नॉर्मल प्रीव्यू, सेफ, नो कस्टम HTML, नो कम्युनिटी पर लॉग इन, नो कम्युनिटी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हमने, हमारे पास यहाँ पे HTML का एक एलिमेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, अगर इस ऑप्शन के साथ करूंगा तो वो HTML का एलिमेंट नहीं चलेगा। मैं चला के चले दिखा देता हूँ, हम इस टॉपिक पे हैं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने इस पे कह दिया लेट्स से कि मैं यहाँ से YouTube की वीडियो उठा लेता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। और हम जाएंगे अपने फेवरेट आइकॉन्स पे, होपफुली सबका फेवरेट ऑफिशियल पे। मैंने वो हैंडल लेने की कोशिश की लेकिन मुझे मिला नहीं अभी तक। खैर, अगर आप में से किसी के पास हो और आप शेयर करना चाहें तो प्लीज, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और लेट से इस वीडियो को हम उठा लेते हैं, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा लेट से शेयर पे, जरूर शेयर करें, इम्पैक्ट करेंगे हम, और इस चीज को हम कॉपी कर लेंगे, ये HTML है। वापिस आ जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और विद दैट इट्स डन। इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा बस बेसिकली इंक्रीज कर लूंगा इसकी बेसिकली जो विड्थ और हाइट है, ताकि वो हमारे लिए जरा बेहतर हो जाए। लेट्स से कि मैं इसकी विड्थ को 500 पिक्सल कह दूंगा और हाइट को बेसिकली मैं 500 पिक्सल, एक स्क्वायर की हाइट में 500 वैसे ज्यादा है, लेट्स से इसको मैं 1000 कह देता हूँ। और विद दैट आई थिंक इट विल डू, या शुड डू। ओके, और इसको हम करते हैं प्रीव्यू। मैंने नॉर्मल प्रीव्यू पे क्लिक किया है, उसने बेसिकली पेज को रिफ्रेश किया और जैसे ये लोड होगा, यहाँ पे ये लोड हो गई। अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, मैंने इस पे होल्ड किया, यहाँ पे आप ऑब्वियसली आपको इस पे होल्ड ही करके रखना पड़ेगा, राइट क्लिक नहीं चलेगा। सेव नो कस्टम HTML ये मैं करूंगा तो अब आप देखेंगे कि हमारी वीडियो लोड नहीं होगी, उसने कस्टम HTML को खत्म कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बेसिकली प्लगइन के रिलेटेड है। अगर आपने कोई कम्युनिटी प्लगइन, दो प्लगइन है, ऑफिशियल और कम्युनिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है वो है सेफ नो कम्युनिटी प्लगइन। बेसिकली हमारे पास दो प्लगइन की टाइप है, ऑफिशियल एंड कम्युनिटी। ऑफिशियल प्लगइन इन्होंने बनाए हैं, उनको ये क्यों बना करेंगे। कम्युनिटी प्लगइन बेसिकली मेरे जैसे किसी भी कम्युनिटी के मेंबर ने बना दी है, होपफुली हमने सेफ ही बनाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो हमसे, वो आप उनके बिना उसको काम चला ले। और लास्ट ऑप्शन है कि दोनों चीजों को ये कट ऑफ कर देगा और उसके साथ चला देगा। कभी आपकी वेबसाइट में कई अननोन बग आ रहा हो और आपको बिल्कुल समझ ना आ रही हो, तो आप एक दफा इसको ट्राई कर लें, अगर उससे रिजोल्व हो जाए पहले इसको ट्राई कर लें नो कम्युनिटी प्लगइन। क्योंकि मैं होप बेसिकली मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कस्टम HTML इंसर्ट कर रहे हैं तो वो आप खुद कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं कर रहा, तो होपफुली वो आप सही कर रहे हैं। लेकिन प्लगइन आपने यूज किया तो हो सकता है उसकी किसी वजह से कोई मसला आ गया, तो आप इस ऑप्शन को ट्राई कर लें, अगर वो मसला रिजोल्व हो जाता है, मतलब कम्युनिटी प्लगइन कोई मसला कर रहा है, आप वन बाय वन प्लगइन्स को डिसेबल करें और जो बेसिकली जिसकी वजह से मसला हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, उसको ऑफ कर दें, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लें, बाकियों को यूज कर लें। खैर, ये ऑप्शन था बेसिकली हमारे पास प्रीव्यू में, जो हमारे पास ऑप्शन है। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम आप नॉर्मल प्रीव्यू के साथ जा रहे होंगे, कभी जरूरत होगी डिबगिंग में तो हम इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो कि है हेल्प। बेसिकली नाम से भी जाहिर है सबको पता है और सभी को ही पता होना चाहिए, हेल्प ये आइकॉन है, इस पे क्लिक करेंगे ये हेल्प सेंटर को ओपन कर देगा। इस पे वीडियोस अवेलेबल हैं, इस पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है और इस पे क्लोज का बटन अवेलेबल है, जिसको हम अभी के लिए क्लिक कर देंगे क्योंकि हम ये कोर्स कर रहे हैं, होपफुली इसके बाद आपको हेल्प की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन से कंटिन्यू करते हैं जो कि माई अकाउंट मैन्यू।
वंस अगेन आपके बबल डॉट आईओ में विजुअल एडिटर में और नॉर्मल में भी था ये एक इम्पोर्टेंट बटन जो कि लीड करता है आपकी अकाउंट मेन्यू पे। ये आपको बताएगा कि आपके पास एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। बेसिकली कंट्रोल दबा के मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं चला, मतलब नॉर्मल क्लिक ही हुआ है। ये आपको एप्स पे ले जाएगा, यहाँ पे आप ये बेसिकली मेन्यू डिफरेंट है उस मेन्यू से और मुझे शो करने के लिए बार बार उसको ओपन करना पड़ेगा। मैं इस ऐप पे क्लिक कर लूंगा, इस ऐप को 2 से 3 दफा डुप्लीकेट कर लूंगा ताकि मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखा सकूं जो कि उसमें हैं। इसको मैं क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट कर लूंगा। ये जब मैंने बेसिकली क्लिक किया था यहाँ पर इसमें एप्लीकेशंस पे, तो वो इस पेज पे लेके आया था जो कि सिमिलर है जैसे मैंने इस पे या इस पे क्लिक कर दिया हो। प्लगइन्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे इस पेज पे ले आएगा और देख लेते हैं कि क्या ये सही बात है। ये वेट हो रहा है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तब तक बेसिकली ये जैसे ही लोड हो जाते हैं सारे पेजेस और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे ये पेजेस लैंड हो चुके हैं, लोड हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहला क्लिक किया था वो मुझे यहाँ पे लेके आया था, जो मैंने माई प्लगइन्स पे क्लिक किया वो मुझे यहाँ पे लेके आया जो कि मैंने कहा था। नेक्स्ट अब हम क्लिक करेंगे माई टेम्पलेट्स पे, इसमें हम क्लिक कर लेंगे बेसिकली माई अकाउंट पे और ये बेसिकली लीड करेगा जो कि हम इस पे क्लिक करने के बाद होते हैं ये अकाउंट। ओके, ये बेसिकली लीड करेगा टेम्पलेट्स पे। लास्टली जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट था माई अकाउंट वो लीड कर रहा है ओवरव्यू पे, और इस पे हम पहले ही वॉक थ्रू कर चुके हैं टेम्पलेट्स को, अभी हमने डिस्कस नहीं करना और ना ही प्लगइन्स को डिस्कस करना है। तो ये थी हमारे पास बेसिकली एडिटर के अंदर जो अकाउंट मेन्यू और लॉगआउट का बटन भी आपके पास है, आप चाहें तो इस पे क्लिक करके लॉगआउट भी कर सकते हैं, ट्राई खुद कर सकते हैं, मैं अभी कोर्स बना रहा हूँ। खैर, ये हमारे पास है माई अकाउंट मेन्यू और इसी के साथ हमने अपनी टॉप बार मेन्यू को कवर कर लिया। होपफुली आपने काफी नई चीजें सीखी होंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, वो आपके पास है पेजेस, एलिमेंट सिलेक्टर, सर्च एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इश्यूज, अरेंज मेन्यू, कंपोनेंट्स को हम स्किप कर सकते हैं किसी हद तक जब हम उनको एक दफा यूज कर लें, और प्रीव्यू तो हमें करना ही पड़ेगा बार बार अपनी ऐप को देखने के लिए। नेक्स्ट अब वीडियो में अब हम कंटिन्यू करेंगे इस डिजाइन टैब से और इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। एक दफा देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो का कॉन्टेंट क्या है। बेसिकली हमने डिटेल टैब, डिजाइन टैब को उसको स्टडी करना है, विजुअल एडिटर को स्टडी करना है और बेसिकली रिस्पॉन्स टैब उसको भी हमने गो थ्रू करना है कि ये क्या चीज है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अजीजों और बाबों के साथ इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल करें और मुझे फीडबैक मिले। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.